दोस्तों, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके दिन का 3000 से तो 5000 तक कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसमें पेपर प्लेट्स का जो उपयोग है ये हर फंक्शंस है, पूजा है या मैरिजेस है, हर जगह इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये बिजनेस बहुत ज़्यादा डिमांड में हमेशा बना रहता है और ये बिजनेस में मंदी कभी भी नहीं आती है। तो आज हम देखेंगे कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कौन से मशीन्स लगेंगे, इसमें कौन से रॉ मटेरियल्स आपको लग जाते हैं, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट लग जाती है, इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है और इस बिज़नेस की किस तरह से मार्केटिंग की जाए, ये सभी टॉपिक्स को हम इस बिज़नेस आइडिया में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ को लाते रहते हैं। तो देख लेते हैं पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले एरिया की। तो यहाँ पर आपको 1000 स्क्वायर फीट में आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये बिज़नेस को सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक छोटे से शॉप में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मशीन रखने के अलावा आपको आपके रॉ मटेरियल्स रखने की जगह मिल जाए, इतनी जगह आपके लिए सफिशिएंट होगी। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी डबल फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की, क्योंकि दोस्तों कुछ मशीन्स जो है ये सिंगल फेज में भी आती है और कुछ मशीन्स जो है ये डबल फेज कनेक्शन जिसमें उसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये दो रिक्वायरमेंट्स आपको कंपलसरी लगेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन के बारे में। तो यहाँ पर आपको पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन की आवश्यकता होगी, जो इंडियामार्ट.com पर आपको आसानी से 15,000 से लेकर तो 75,000 तक के हर कैटेगरी में अवेलेबल है। कुछ मशीन्स मैनुअल भी आपको मिल जाती है, कुछ मशीन आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाती है। मेरा ये सजेशन होगा आप ऑटोमेटिक मशीन ले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो भी मशीन्स है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इंडियामार्ट.com में जा कर के आसानी से अलग अलग डीलर्स के साथ डील करके इन मशीनों को ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी पाउच पैकिंग मशीन की, जो अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल है, कुछ मैनुअल है और कुछ ऑटोमेटिक भी है, ये भी आपको इंडियामार्ट.com पर इजीली मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के रॉ मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर आपको पेपर्स की आवश्यकता होगी, जो कि अलग अलग आपको क्वालिटी में अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो पेपर बंडल होते हैं ये 40 रुपये से लेकर तो 70-80 रुपये तक भी जाते हैं। जिस तरीके के क्वालिटी को आप लेना चाहते हैं उस तरीके के पेपर को आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपको इंडियामार्ट.com पर इजीली मिल जाते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाके आसानी से इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी डाइज की, जैसे अगर आपको दोना बनाना है तो आपको दोने का डाई लगेगा, अगर आपको प्लेट बनाना है आपको उसका डाई लगेगा, अगर आपको मल्टी सेक्शन प्लेट बनाना है तो आपको उसका डाई लगेगा। ये जितने भी डाई है ये भी आपको इंडियामार्ट.com पर मिल जाते हैं, इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप आसानी से वहाँ जा कर के खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के प्रोसेस के बारे में। इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। आपको मशीन में केवल पेपर बंडल को फिक्स करना होता है और जो चीज़ आपको बनानी है, अगर दोना बनाना है तो दोने का डाई, अगर थाली बनाना है तो थाली का डाई, आप जिस तरीके का डाई लगाते हैं तो ये पेपर कटिंग उसके हिसाब से करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप थाली की बात करें तो आपको लगभग 100 थाली यहाँ पर 1 किलो पेपर के बंडल में मिल जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं। जैसे अगर मेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एरिया का इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद में आपको मशीन का इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल्स लगेंगे उसका इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल लगता है, जो आप मंथली जो बिज़नेस चलाते हैं उसका वर्किंग कैपिटल लगता है। इसके अलावा आप कोई अगर एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उसके सैलरी आपको जो देनी पड़ेगी वो इन्वेस्टमेंट आपको मिला करके
लगभग लगभग आपको 7 से तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, और आपको यहाँ पर 6 महीने का एक्सेस इन्वेस्टमेंट रखना होगा, क्योंकि आप जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो अचानक से ही पहले ही महीने से आपको बहुत सारी कमाई आनी नहीं होती है, तो आपको 6 से 7 महीने का यहाँ पर एक्सेस पैसा रखना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो पेपर बंडल की जो कॉस्ट होती है ये पर केजी के हिसाब से अलग अलग होती है, कुछ 40 रुपये से लेकर तो 70-80 रुपये तक भी जाती है। तो एक हम एवरेज कॉस्ट इसकी 45 रुपीज़ लेंगे आपको प्रॉफिट बताने के हिसाब से। ये जो प्रॉफिट हम बताने वाले हैं ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें आपको कम भी प्रॉफिट हो सकता है, ये आपको एक एवरेज प्रॉफिट बताया जा रहा है। तो 45 रुपीज़ का आपको पर केजी के हिसाब से पेपर बंडल लग जाएगा, जिसमें आपका जो अगर आप दोना बना रहे हो तो लगभग आपको 300 से तो 400 दोने आपके निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप थाली की बात करें तो आपको लगभग लगभग 1 केजी पेपर बंडल में आपके 100 थाली बन जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसके रेट पकड़े तो आपको एक थाली की जो कॉस्टिंग जाती है वो जाती है लगभग 45 पैसे। इसके अलावा आपके जो सारे वर्किंग कैपिटल्स है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मशीन आपकी जो चल रही है उसका एक मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ये सभी आपके मिला करके आपको एक थाली की जो कॉस्ट है वो लगभग आपको 75 पैसे के आसपास पड़ जाती है। तो ऐसे में आपका अगर आप 100 थाली का सेट एक बनाते हैं तो वो आपका लगभग 75 रुपये का बिक जाता है। और मार्केट में आपकी जो कॉस्ट है इसे बेचने की, अगर आप इसे होलसेलर को दे रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट जाएगी वो लगभग 125 रुपये के आसपास जाएगी। और अगर आप इसे डायरेक्ट सेल करते हैं, जैसे अमेज़ॉन में ये जो आपको लिंक यहाँ पर पिक्चर्स में दिख रहा है, इसके रेट्स जो है ये 180 रुपये तक भी जाते हैं। तो ऐसे में आपका मिनिमम जो फ़ायदा है वो 100 प्लेट्स का लगभग लगभग 50 रुपये हो जाता है। और अगर आप इसे डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप 75 रुपये से तो 100 रुपये तक भी कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मैन पावर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मशीन को ऑपरेट करने के लिए 1 पर्सन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों को रख रहे हैं तो 1 से 2 पर्सन की आपको मार्केटिंग के लिए आवश्यकता होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपके कुछ टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो रिटेल शॉप होते हैं, जैसे किराना शॉप्स होते हैं, सुपर शॉपिज़ होते हैं, या फिर कुछ लोग जो स्पेशली जो डिस्पोजेबल रिटेल करते हैं उसका जो बिज़नेस करते हैं उन्हें आप डायरेक्ट जाकर के इसे होलसेल में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली इसे इस बिज़नेस को बेचना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन में भी बेच सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकल कर आता है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये दोनों ही प्रकार से आप इस बिज़नेस की मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक ऑल ओवर बेसिक आइडिया इस बिज़नेस के बारे में। आई होप आपको ये बिज़नेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।